हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए एक ऑयल की रेसिपी दिखाती हूँ। ये ऑयल हेयर के लिए नहीं है, हमारा फेस के लिए और बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा बच्चे लोग को बिल्कुल अच्छा है। 3 महीने के बाद पूरा बच्चे लोग का ये यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे बनाते करके हम देखते हैं, चलो। मसाज ऑयल बनाने के लिए हमको चाहिए एक बड़ा वाला पीस एलोवेरा, 3 से 4 नीम की पत्ता, 4 से 5 कच्चा वाला हल्दी। हल्दी पाउडर मत यूज़ कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे अक्का वाला हल्दी चाहिए। ये मेरे घर में फार्मिंग करके लिया है। ये तीनों इंग्रेडिएंट अच्छा से पानी वगैरह निकाल के पोंछ के लेना चाहिए। अभी मैंने एक मिक्सी का जार में पहले हल्दी डाल के देती हूँ। हल्दी की स्किन मैंने पूरा नहीं निकाला है, इतना ही निकाला है, पूरा निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है। और डालते हैं एलोवेरा। एलोवेरा भी मैंने ऐसे छोटा पीस से काट के डालते हैं, स्किन निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है। और मैं डालते हैं नीम की पत्ता, सिर्फ पत्ता निकाल के डालते हैं। नीम हमारा और बच्चे का स्किन प्यूरिफाई करते हैं। अभी ये मैंने पीस के लेके आती हूँ। देखिए मैंने ग्राइंड करके लिया है, थोड़ा दरदरा से ग्राइंड करके ले लीजिए। अभी मैंने एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा है। ये वीडियो लेने के टाइम में ये बर्तन अवेलेबल दी। आप लोग बनाने का तभी आयरन कढ़ाई में, नहीं तो पित्तल की बर्तन में बना दीजिए। ये दोनों नहीं तो स्टील का यूज़ कर सकते हैं। अभी कढ़ाई अच्छा से गर्म हो गया है। इसमें मैं आधा लीटर प्योर कोकोनट ऑयल डाल के देते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम पीस के रखा वाला पेस्ट डाल के देती हूँ। बिल्कुल पानी मत डाल दीजिए, पानी का कंटेंट है तो ऑयल जल्दी खराब हो जाएगा। अच्छा से हम बना के रखा है तो 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। बच्चे लोग को ये ऑयल 3 महीने के बाद शुरू कर दीजिए। अभी ये हम ऑयल में अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। गैस मीडियम फ्लेम पे रखी कर दीजिए। और एक ज़रूर बात है, ये ऑयल सिर में मत लगा दीजिए, क्योंकि इसमें हम हल्दी डाला है ना, इसके वजह से हेयर फॉल होता है। ये ऑयल सिर्फ फेस में और बॉडी में लगाने के लिए है, बिल्कुल बाल में मत लगा दीजिए। ये ऑयल बच्चे लोग को अच्छा से मसाज करके दिया तो डायपर रश वगैरह नहीं आएगी, और बच्चे लोग का स्किन हेल्थी भी होते हैं, फेयर भी होते हैं। ये ऑयल यूज़ किया तो बच्चे लोग को मॉइस्चराइजिंग क्रीम का ज़रूरत नहीं रहेगा। और ये ऑयल ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। स्नान करने की आधा घंटे पहले पूरा दिन मसाज किया तो हमारा स्किन हेल्थी भी होएगी, फेयर और ग्लोइंग स्किन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए हमारा ऑयल अच्छा से उबालने के लिए शुरू हो गया है। एक स्पून से कंटिन्यूस ऐसे मिक्स करके देना चाहिए। मेरा प्रेगनेंसी के बाद ये ऑयल मैं बना के रखते हैं, एवरीडे मैंने ये ऑयल यूज़ करते हैं। मेरे बच्चे को ये ऑयल 3 महीने के बाद मैंने यूज़ किया है। 3 महीने तक मैंने हमारा ऑथेंटिक केरला की प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। बहुत लोगों ने मुझे प्योर कोकोनट ऑयल का लिंक पूछा था। प्योर कोकोनट ऑयल आप लोगों को चाहिए तो हमारा स्टोर में मिल जाएगा, shop.authentickerala.in। देखिए हमारा ऑयल उबाल के बबल्स वगैरह कम हो रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल बबल्स निकालना चाहिए। और 2-3 मिनट के लिए उबालते हैं। देखिए 3 मिनट हो गया है, बबल्स वगैरह बहुत कम हो गया है। इसी टाइम में हम गैस ऑफ करते हो। हमारा ऑयल रेडी हो गया है। ये बिल्कुल अच्छा से ठंडा होने के बाद एक ग्लास बोतल में डाल के रख दीजिए। ये स्टोर करने वाला बोतल अच्छा से पोंछ के लेना चाहिए, बिल्कुल पानी का कंटेंट नहीं होना चाहिए। पानी का कंटेंट है तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। ये ऑयल घर पे आप लोग बना के रख दीजिए। 3 महीने के बाद बच्चे लोग को भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और स्किन हेल्थी होने के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया तो आप लोगों को फ्रेंड्स लोग को और रिलेटिव्स को भी शेयर करके दे दीजिए। और आप लोगों को प्योर कोकोनट ऑयल और स्पाइसेस चाहिए तो हमारा shop.authentickerala.in में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तब तक टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।